अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल है आपके? सारे ठीक है? जी, मैं भी ये लेक्चर का लिंक शेयर कर दूं। आवाज आ रही है आपको? मैं बस ये लेक्चर का लिंक शेयर कर दूं और फिर इंशाल्लाह हम क्लास स्टार्ट कर देते हैं। हाँ जी, कैसे हैं आप सारे लोग? ठीक ठाक हो? खैरियत है? एनर्जी कैसी है सबकी? वालेकुम सलाम, क्या हाल है आयशा, तनवीर, हसनैन? अच्छा जी, तो आज की क्लास हंटिंग एंड सोर्सिंग से रिलेटेड है। बहुत बड़ा टॉपिक है, एकदम इतना बड़ा टॉपिक एक लेक्चर में कवर नहीं हो सकता। कम से कम 2 से 3 लेक्चर्स इसको प्रॉपरली चाहिए। आवाज़ आपको प्रॉपरली आ रही है मुझे? सिर्फ ये समझे बता देना कि आवाज़, कोशिश तो मेरी है कि प्रॉपरली आ जाए। आप तो आनी चाहिए मेरे ख्याल है। हाँ जी, मैं ठीक ठाक हूँ। अच्छा, आज का लेक्चर जो है वो हंटिंग एंड सोर्सिंग के ऊपर है, और हंटिंग एंड सोर्सिंग में हम कवर करेंगे, बहुत बड़ा टॉपिक है, बहुत जनरली बहुत टाइम कंज्यूमिंग, और समझना और इसको प्रॉपरली फॉलो करना थोड़ा सा लंबा काम है, लंबा प्रोसीजर है। मेरी कोशिश यही होती है कि सिंपल से सिंपल वर्ड्स में समझा दूं, सिंपल से सिंपल प्रोसेसेस बता दूं, ताकि आप लोगों को इतनी मसला ना हो, और जो बेसिक बच्चे भी हैं वो भी बड़ी आसानी से इसको लेकर चल रहे हों और इसको कर लें। हंटिंग एंड सोर्सिंग से क्या मतलब होता है? हंटिंग एंड सोर्सिंग का मतलब होता है कि प्रोडक्ट को ई कॉमर्स में प्रोडक्ट को हंट करना, कि लेना कहाँ से, और सोर्स करवाना, फिर अपने पास अपने वेयर हाउस तक उस प्रोडक्ट को पहुंचाना। इसको कहते हैं प्रोडक्ट हंटिंग एंड प्रोडक्ट सोर्सिंग, कि मैंने लेना किस जगह से, और मैंने पाकिस्तान, अगर आप चाइना से ले रहे हो तो पाकिस्तान तक वो मेरे वेयर हाउस तक पहुंचेगा कैसे, ठीक है, सोर्स कैसे करवाना है। तो ये दो बेसिकली हंटिंग एंड सोर्सिंग में ये दो फील्ड्स एक साथ, उन दोनों फील्ड्स को मिक्स करके हम हंटिंग एंड सोर्सिंग कहते हैं। हंटिंग का अलहदा प्रोसेस है, सोर्सिंग का अलहदा प्रोसेस है। दोनों प्रोसेसेस एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट तो हैं, लेकिन एक दूसरे के साथ इनका कोई ताल्लुक नहीं है। हंटिंग अलहदा प्रोसेस है, सोर्सिंग अलहदा प्रोसेस है। हंटिंग में आप प्रोडक्ट को हंट करते हो, सोर्सिंग में आप प्रोडक्ट को अपने पास वेयर हाउस तक डिलीवर करवाते हो या अपने वेयर हाउस तक लेकर आते हो। हंटिंग एंड सोर्सिंग इस पूरे प्रोसेस को कहा जाता है। तो स्लाइड से स्टार्ट करते हैं। प्रोडक्ट हंटिंग इन लोकल ई कॉमर्स, अगर आप वाइट लेबल कर रहे हो और आप प्रोडक्ट को लोकली हंट करना चाह रहे हो। एक सेकंड यार, एक सेकंड जरूर दे देना। ठीक है, अगर आप प्रोडक्ट को लोकली हंट करना चाह रहे हो, दो तरह के प्रोडक्ट्स होते हैं, ये भी समझ। दो तरह के प्रोडक्ट्स होते हैं। एक ये होता है कि प्रोडक्ट्स आपने ऐसे सेलेक्ट किए हैं जो पाकिस्तान में ही बनते हैं, पाकिस्तान में ही इसका मैन्युफैक्चर अवेलेबल है। एग्जांपल देता हूँ, आप कपड़ों की नीच पे काम कर रहे हो, पाकिस्तान में बनता है। आप ज्वेलरी पे काम कर रहे हो, आर्टिफिशियल ज्वेलरी पाकिस्तान में बनती है। स्किन केयर प्रोडक्ट्स पे काम करते हो, पाकिस्तान में बनते हैं, चाइना से भी कर सकते हो, पाकिस्तान भी से भी कर सकते हो, लेकिन पाकिस्तान में बनते हैं, पाकिस्तान में उसकी इंडस्ट्री अवेलेबल है। लेदर प्रोडक्ट्स पे काम कर रहे हो, पाकिस्तान में बनते हैं। स्पोर्ट्स प्रोडक्ट्स पे काम कर रहे हो, पाकिस्तान में बनते हैं। वो प्रोडक्ट जो पाकिस्तान में, लेकिन पाकिस्तान में 90% ऐसा प्रोडक्ट है जिसकी इंडस्ट्रीज पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं है, जो आपको चाइना से मैन्युफैक्चर करवा कर पाकिस्तान मंगवाने पड़ते हैं। तो अगर आप एक तो, और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये कि आप चाइना वाले प्रोडक्ट्स भी दो तरह से कर सकते हो, कि आप चाइना में अलीबाबा से, जो आज हम तरीका देखेंगे उसमें आप अलीबाबा पे मैन्युफैक्चरर को खुद कांटेक्ट करते हो, उससे वाइट लेबल प्रोडक्ट्स बाय करते हो, फिर एक सोर्सिंग कंपनी को दे देते हो जो वो प्रोडक्ट्स आपको पाकिस्तान पहुंचाकर दे देती है। दूसरा तरीका ये है कि वो कंपनी जो ऑलरेडी पाकिस्तान वाइट लेबल प्रोडक्ट्स पहुंचाती हैं, आप उन कंपनी से डायरेक्टली प्रोडक्ट ले लेते हो, आप चाइना वाले हसल में नहीं पड़ते, आप उन कंपनीज को कांटेक्ट करते हो, उनसे डायरेक्टली प्रोडक्ट बाय कर लेते हो, चाइनीज प्रोडक्ट्स
वाइट लेबल कंपनी से या सोर्सिंग कंपनी, हंटिंग एंड सोर्सिंग सोर्सिंग कंपनी से डायरेक्टली ले लेते हो, 50 पीसेस 100 पीसेस ले लिए और फिर अपनी वेबसाइट पे लगाकर बेच दिया। तो दो तरीके हैं, दोनों तरीके मैंने आपको बता दिए हैं कि अगर आप वो प्रोडक्ट्स लॉन्च कर रहे हो जो पाकिस्तान में बनते हैं तो आपने वो कैसे करना है वो भी आज समझाऊंगा। अगर आप वो प्रोडक्ट जो पाकिस्तान में नहीं बनते और आप चाह रहे हो कि मैंने चाइना से खुद बाय करना है और पाकिस्तान में डिलीवर करवाना है, वो तरीका भी आपको समझाऊंगा। तीसरा तरीका ये है कि चाइनीज प्रोडक्ट्स जो आप खुद चाइना से नहीं लेना चाहते, तो आपको मैं कंपनीज बता दूंगा जिनके पास वाइट लेबल प्रोडक्ट्स होते हैं, उनके पास पूरी लिस्ट होती है, पूरे प्रोडक्ट्स होते हैं, आपने सिर्फ उनको कॉन्टेक्ट करना है, वो आपको अपनी लिस्ट दे देंगे, अपनी प्राइसिंग दे देंगे, आपने उनसे वो प्रोडक्ट ले लेना है और अपनी वेबसाइट पर बेच देना है। ये वाइट और प्राइवेट लेबल भी अगर किसी ने करना है तो चाइना से अगर करना है तो वो कैसे करेगा, कैसे प्रोजेक्ट प्रोडक्ट ढूंढेगा, कैसे कैसे बात करेगा, कैसे मंगवाएगा, कैसे पैकेजिंग करवाएगा, तो ये सारी चीजें भी हम डिस्कस करेंगे। 5 मिनट मोटिवेट भी किया करूं यार, मोटिवेट आजकल मोटिवेशन मुझे खुद चाहिए। बेसिकली आपको पता है कि डेंगू एकदम आपके दिमाग से और आपके बॉडी से असर छोड़ कर जाता है, तो मैं दिन को सारा दिन ऑफिस, फिर मीटिंग्स, फिर अपने अपने काम और शाम के टाइम आपके पास आ गया हूँ, तो मुझे आजकल खुद मोटिवेशन चाहिए कि मैं थोड़ा सा आपके साथ ना बड़ा खुल के दिल और दिमाग दोनों से बड़ा सोच के और इस तरह काम करूँ, बात करूँ, तो मोटिवेशन तो आजकल आप मुझे दिया करें। तो मोटिवेशन अभी साथ साथ इंशाल्लाह आपको दूंगा, क्या करना है, कैसे करना है और क्या चीज़ें होनी चाहिए। आप लोग माशाल्लाह सारे इतने एनर्जी में हर वक्त होते हो, इतनी यंग हो, मेरी तो 34 साल एज है, 20-21 साल में हम तो 48 घंटे बतर घंटे काम कर लेते, पता भी नहीं चलता था कि सोए ही नहीं है, तो अब तो मुझे 10-12 घंटे काम करो उसके बाद एनर्जी डाउन हो जाती है, सर पे दर्द स्टार्ट हो जाता है। तो वाइट लेबल सस्टेनेबल है, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है अथर ने कि वाइट लेबल सस्टेनेबल है, वाइट लेबल सस्टेनेबल पाकिस्तान में क्यों नहीं है, उसकी भी रीज़न आज की क्लास में मैं आपको दे दूंगा, पाकिस्तान में लोगों से वाइट लेबल क्यों नहीं चल रहा और क्यों 30% इसका रिटर्न रेट है और क्या इशू है वाइट लेबल में पाकिस्तान में, ये इशू भी मैं आज आपको दे दूंगा, इसका भी आंसर आज आपकी क्लास में आपको मिल जाएगा। तो बड़ी इंपॉर्टेंट क्लास है, बड़ी मजे की क्लास है, प्रोडक्ट हंट करना और प्रोडक्ट सोर्स करवाना है, प्रोडक्ट हंटिंग पाकिस्तान से कैसे होती है, प्रोडक्ट हंटिंग चाइना से कैसे होती है, प्रोडक्ट सोर्सिंग पाकिस्तान से करानी है तो कैसे करानी है, सोर्सिंग करानी है क्या कहते हैं इसको, चाइना से करनी है तो कैसे करानी है, वही आज की मीटिंग में, आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। तो खैर, छोटे सा पॉइंट जो मैंने आपको समझाना था वो समझा दिया कि वो प्रोडक्ट जो पाकिस्तान में मैन्युफैक्चर होते हैं वो आपने डायरेक्टली पाकिस्तान से लेने हैं, जिसमें आपकी कपड़ा, आपका लेदर, आपका ज्वेलरी, आपका स्किन केयर, स्पोर्ट्स, इसके अलावा कुछ नीशेज हैं, लकड़ी से प्रोडक्ट्स, फर्नीचर वगैरह पाकिस्तान में ही बनता है, आपको इंपोर्ट कराने की ज़रूरत नहीं है, जिस तरह का डिज़ाइन भी को डिज़ाइन बनाओ पाकिस्तान से आप मैन्युफैक्चर करवा सकते हो। तो कहने का मकसद ये है कि वो प्रोडक्ट जो पाकिस्तान में मैन्युफैक्चर होते हैं उनको पाकिस्तान में आपने कैसे मैन्युफैक्चर करवाना है या कैसे हंट करना है उसका तरीका भी आज आपको बताऊंगा। वो प्रोडक्ट जो 90% प्रोडक्ट्स हैं जो पाकिस्तान में नहीं बनते, जो चाइना में बनते हैं, और सिर्फ पाकिस्तान के लिए चाइना में नहीं बनते, यूके यूएसए में भी कितनी पर बहुत बड़ी परसेंटेज एक है जो चाइना से प्रोडक्ट्स बनकर यूके यूएसए ऑस्ट्रेलिया डिफरेंट कंट्रीज में जाते हैं, तो वो प्रोडक्ट जो चाइना में बनते हैं उनको तक आपने मैन्युफैक्चर तक कैसे पहुंचना होता है, कैसे बात करनी होती है, कैसे प्रोडक्ट पाकिस्तान में पहुंचेगा, सोर्स कैसे होगा, वो भी आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं प्रोडक्ट हंटिंग इन लोकल मार्केट, लोकल मार्केट में वाइट लेबल प्रोडक्ट ढूंढने का क्या तरीका है। सबसे पहले आपने क्या करना है कि वो प्रोडक्ट जो, लेट्स सपोज आप कपड़े लॉन्च करना चाह रहे हो, आप लेदर प्रोडक्ट्स लॉन्च करना चाह रहे हो, तो उनकी एक स्पेसिफिक मार्केट है, आपने उस मार्केट को विजिट कर लेना है, ठीक है। एग्जाम्पल देता हूँ, कपड़ा कहाँ पे बनता है, फैसलाबाद में बनता है, आपने फैसलाबाद की मार्केट में जाना है, आपको मैन्युफैक्चरर भी मिलेगा, आपको डिस्ट्रीब्यूटर भी मिलेगा, आपको हर तरह की कंपनी मिलेगी, आपने डिफरेंट कंपनीज विजिट करनी है, कार्ड्स लेना है, बात करनी है, और उनसे प्रोडक्ट आपने डिज़ाइन किया हुआ है या उसके अपने डिज़ाइन बने हुए उसके पास प्रोडक्ट्स होंगे जिसके ऊपर वो आपको आपका नाम लिख कर दे सकता है, वो आपने उस रिसर्च करनी है बेसिकली उस मार्केट में जाकर, तो आपको अपना मैन्युफैक्चरर मिल जाएगा। दूसरा ये है कि आप लोकल मैन्युफैक्चरर से
पहले रिसर्च करो, फिर उससे जाकर बात करो। अगर आप चाहते हो कि भाई नहीं मैं ना इतने मैन्युफैक्चरर विजिट नहीं करना चाहता, जिस तरह लेदर प्रोडक्ट्स हैं वो सियालकोट में बनते हैं, आप सियालकोट विजिट करो, लेदर की बहुत बड़ी बड़ी कंपनी, छोटी कंपनी, हर तरह की कंपनीज उधर बैठी हुई हैं, आप उनसे डायरेक्टली गूगल के ऊपर भी जाकर लिखोगे ना लेदर मैन्युफैक्चरर इन पाकिस्तान या लेदर मैन्युफैक्चरर इन सियालकोट, आपके पास 20 से 25 नंबर आ जाएंगे, आप उनको कॉन्टैक्ट करो। जिस तरह का प्रोडक्ट आपने रिसर्च किया हुआ है वो आप प्रोडक्ट उनको दिखाओ, उनसे एक सैंपल बनवाओ, सैंपल मंगवा कर टेस्ट कर लो और उसको फिर ऑर्डर प्लेस कर दो। आसान तरीका है। तो कहने का मकसद ये है कि सबसे पहले आपने रिसर्च करनी है लोकल मैन्युफैक्चरर पे, वो आप गूगल के थ्रू कर सकते हो, वो आप डायरेक्टली कर सकते हो। ये दो तरीके हैं। एक और सबसे आसान तरीका ये है कि पाकिस्तान में प्रोडक्ट हंटिंग की मैन्युफैक्चरर से डायरेक्टली बात करने की या मैन्युफैक्चरर से आप तक प्रोडक्ट सैंपल्स पहुंचाने की और आपको प्रोडक्ट देने के लिए डिफरेंट हंटिंग की और सोर्सिंग की कंपनीज बैठी हुई हैं, ठीक है। एक दो कंपनीज को मैं जानता हूँ, मैं नाम बता देता हूँ, आप उनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। आप ये चाहते हो कि नहीं भाई मैंने खुद कंपनीज को कॉन्टैक्ट नहीं करना, मेरा ये काम कोई और कंपनी करे, तो प्रोडक्ट हंटिंग एंड सोर्सिंग इन पाकिस्तान के नाम से एक एक कंपनी है जिसका नाम है हंट एंड सोर्स, ठीक है। हंट एंड सोर्स यही काम करती है कि वो आपको, आप उसको कहते हो ना कि जी मुझे ये वाला लेदर प्रोडक्ट चाहिए, ये जूते चाहिए, या ये वाला लेदर मुझे वॉलेट चाहिए, या इस तरह के ये प्रोडक्ट मुझे चाहिए, वो आपके लिए वो प्रोडक्ट पूरी मार्केट में ढूंढ कर, उसका मैन्युफैक्चरर, उसका सप्लायर, उसका डिस्ट्रीब्यूटर, वो ढूंढ कर आपको डिफरेंट सैंपल्स प्रोवाइड कर देंगे कि ये लेनी, आपको ये प्रोडक्ट चाहिए था, ये उसके सैंपल्स आए हैं डिफरेंट कंपनी से, आप सैंपल्स टेस्ट कर लो। आपको जिस कंपनी का प्रोडक्ट का सैंपल समझ आता है वो आपसे पैसे चार्ज करेंगे, उस कंपनी के साथ आपको डायरेक्ट कर देंगे, या आपको डायरेक्ट करके अपना बीच में से निकल जाएंगे, फिर आप उस कंपनी से डायरेक्ट हो जाओ और अपने प्रोडक्ट के सैंपल्स बनवाने हैं या प्रोडक्ट बनवाना है या उसे बल्क में बनवाना है, जो भी करवाना है वो आप कर सकते हो। आप इस कंपनी को अपनी रिक्वायरमेंट दे देते हो, इन रिक्वायरमेंट के ऊपर वो काम करती है, आपको प्रोडक्ट ढूंढ कर, आपको मैन्युफैक्चरर ढूंढ कर वो प्रोडक्ट प्रोवाइड कर देती है। तो एक तरीका, सिंपल इसका तरीका तो ये है। फिर क्या करते हो, लेट सपोज आपने को कंपनी मिल गई, आप उससे एक सैंपल मंगवाते हो, वो सैंपल टेस्ट करते हो, वो सैंपल आपके मुताबिक होता है या उसमें कोई चेंजेस होती हैं, वो चेंजेस आप उस कंपनी को बता देते हो, वो फिर आपको सैंपल बना कर देती है, आपका प्रोडक्ट ओके होता है, आप उस कंपनी को एक ऑर्डर प्लेस करते हो, वो आपके ऑर्डर के ऊपर 1000 क्वांटिटी, 500 क्वांटिटी, जो भी आपको प्रोडक्ट चाहिए था, जितनी क्वांटिटी में चाहिए था, वो आपको बनाकर आपको भेज देते हैं, आपका ऑर्डर आ जाता है और आप उस प्रोडक्ट को लॉन्च कर लेते हो। तो ये है, आप सैंपल सेलेक्ट करते हो, डिजाइनिंग द लेबल्स, उसकी पैकेजिंग वगैरह डिजाइन करते हो और ऑर्डर प्लेस कर देते हो। तो ये है प्रोडक्ट हंटिंग लोकल मार्केट में। लोकल मार्केट के दोनों तरीके मैंने आपको बता दिए, या तो आप मार्केट में जाकर मैन्युफैक्चरर खुद ढूंढ सकते हो, या आप गूगल के थ्रू ढूंढ सकते हो, या आप प्रोडक्ट हंटिंग एंड सोर्सिंग की कंपनी को ऑनबोर्ड कर सकते हो, उसको अपना सैंपल जो चीज़ आपको रिक्वायर्ड होती है वो देते हो, वो आपको उस मुताबिक कंपनी ढूंढ कर देती है, आपको उसका नंबर प्रोवाइड कर देती है, आप उस कंपनी से सैंपल्स लेते हो, अपना पैकेजिंग डिजाइन करते हो, उसको अपनी पैकेजिंग देते हो, वो आपकी पैकेजिंग आपका प्रोडक्ट बनाकर आपको प्रोवाइड कर देता है, आप उनको पैसे पे कर देते हो। हंटिंग एंड सोर्सिंग की कंपनीज, अब आते हैं हंटिंग एंड सोर्सिंग इन चाइना। हंटिंग एंड सोर्सिंग इन चाइना कैसे होती है, ठीक है। वाइट लेबल अगर आपने करना है, पहले मैं आपको कल से कह रहा हूँ, पिछली क्लास से कह रहा हूँ कि जी मैं आपको 30% का इशू बताऊंगा, पाकिस्तान में 30% क्या इशू है, वाइट लेबल क्यों प्रॉपरली सेल नहीं हो रहा, क्यों उसका रिटर्न रेशो 30% 25% आता है, क्यों ये प्रॉफिटेबल नहीं है। तो उसका कुछ इश्यूज हैं और कुछ कंपनीज हैं, मैं आपको वो दिखा देता हूँ। मेरे पास ये ग्रुप में एडेड है, जिस तरह एक कंपनी है ये, ठीक है। अब इनके पास ये चाइना से ऑलरेडी प्रोडक्ट्स लेकर आ जाते हैं। और आपकी ना मेरे स्क्रीन ही शेयर नहीं की तो आपको नजर कैसे आएगा। अब एक कंपनी है ये, ठीक है, ये चाइना से इनके पास वाइट लेबल के प्रोडक्ट्स होते हैं, और ये क्या करते हैं कि ये डायरेक्टली आपको वाइट लेबल के प्रोडक्ट्स पाकिस्तान में देते हैं। आपने इनका ग्रुप ज्वाइन कर लेना है, ग्रुप में ये जिस तरह ये प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट है, ठीक है, ये डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं, ये प्रोडक्ट है, वाइट लेबल प्रोडक्ट है, आपने इनसे 30 पीसेस 50 पीसेस 40 पीसेस आप लेते हो और आप जो है वो इनसे प्रोडक्ट्स ले लेते हो और फिर अपनी वेबसाइट पर लगा कर उसको बेचना स्टार्ट कर देते हो,
ये प्रोडक्ट्स हैं, इनके पास डिफरेंट विनिंग प्रोडक्ट्स अवेलेबल होते हैं। आप देखे होंगे टिकटॉक पे आपको इनके एड्स नजर आते होंगे, ये प्रोडक्ट है। चाइनीज प्रोडक्ट्स जो पाकिस्तान में वाइट लेबल में ज़्यादा सेल हो रहे होते हैं इनके पास अवेलेबल होते हैं, मिनिमम क्वांटिटी भी आप इनसे बाय कर सकते हो। इश्यूज बताऊंगा, इश्यूज क्या हैं, पहले आप प्रोडक्ट्स वगैरह देखो। देखा होगा आपने टिकटॉक पे आपको इसके एड्स बहुत नजर आते हैं। बहुत आसान, ये फर्नीचर मूविंग टूल आपकी बहुत काम आएगा। इलेक्ट्रिक वेजिटेबल कटर, ये रिचार्जेबल, इस प्रोडक्ट की किचन में बहुत जरूरत होती है। इसको खाना बनाते हुए चम्मच को रखने के लिए बनाया गया है। इसके अलावा सिलिकॉन वॉशिंग ग्लव, ये सारे वो विनिंग प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है। ये एक कंपनी है, नाम है बाज ट्रेडर्स के नाम से है। दूसरी कंपनी ये सामने ही खुली हुई है, यूनिकॉर्न सोर्सिंग के नाम से, ठीक है। ये मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं, उनकी है। ये सारे वाइट लेबल प्रोडक्ट्स हैं, ये कहते हैं वाइट लेबल हैं लेकिन ये होलसेल प्रोडक्ट्स होते हैं, वाइट लेबल नहीं होते हैं। ये सारी कंपनीज क्लेम करती हैं कि ये वाइट लेबल प्रोडक्ट्स हैं, ये इसको होलसेल प्रोडक्ट्स कहते हैं, वाइट लेबल नहीं कहते हैं, आप पे होलसेल पे बेच रहे होते हैं। आप एक सेम प्रोडक्ट्स ही ना सारी कंपनीज के पास घूम रहे होते हैं। इसी तरह एक और कंपनी है, ये प्रोडक्ट है जीपीएस, और ये एम चेन कटर्स, इसी तरह ये इनके पास भी प्रोडक्ट्स हैं। अब ये डिफरेंट आप देख कर ग्रुप ज्वाइन कर लो, और यहाँ से जाकर आप प्रोडक्ट्स इनसे 10 पीसेस, 20 पीसेस, 50 पीसेस, जो भी पीसेस आपको चाहिए वो आप लॉन्च कर सकते हो। अब इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है कि ये फिर भी वाइट लेबल, इतने ग्रुप्स बने हुए, इतना प्रोडक्ट पाकिस्तान में आता है तो ये बिकता क्यों नहीं है, और इसका मतलब वाइट लेबल में लोगों को इशू क्या आता है। इशू ये आता है कि भाई ये जितनी कंपनीज भी प्रोडक्ट बेच रही है ना, ये मंगवाती हैं सी कैटेगरी का प्रोडक्ट, जो मैं सर पीट पीट के मर मर के बता के थक गया हूँ कि ये प्रोडक्ट लो क्लास के लिए प्रोडक्ट होता है, ये मिडिल क्लास और अपर क्लास नहीं बाय करती। लो क्लास वाले जब प्रोडक्ट मंगवा लेते हैं उसकी क्वालिटी ऐसी नहीं है, प्रोडक्ट मेरे पास 15 दिनों के बाद ख़राब हो जाना है तो मैं प्रोडक्ट क्यों लूँ, वो देखने में अच्छा नहीं है, वो ख़रीदने में कैसे अच्छा होगा। तो लोअर क्लास में हमेशा जब भी आप खेलोगे तो प्राइस पे एक खेलना पड़ेगा। दूसरा इशू ये आएगा कि प्रोडक्ट की क्वालिटी इतनी नहीं, खास नहीं है। अब यही सेम प्रोडक्ट्स अगर मैं आपको इधर दिखाऊं ना, तो प्रोडक्ट की क्वालिटी टॉप ऑफ द लाइन होनी चाहिए। कोई भी प्रोडक्ट हो वो चाइना से आप खुद मंगवाओगे, उसकी क्वालिटी आप टॉप ऑफ द लाइन रखोगे। अब ये प्रोडक्ट भी पाकिस्तान में बिक रहा है, बड़ी ठीक है। ये प्रोडक्ट भी पाकिस्तान में बिक रहा है, ठीक है। अच्छी क्वालिटी का टॉप नॉच प्रोडक्ट मंगवाओ, उसी को वाइट लेबल में भी बेचोगे तो बिकेगा। सिर्फ और सिर्फ शर्त यह है कि प्रोडक्ट टॉप ऑफ द लाइन होना चाहिए। तो इशू यह है पाकिस्तान में वाइट लेबल, जो कंपनीज वाइट लेबल के प्रोडक्ट्स बेच रही हैं, प्रोडक्ट्स मैंने अभी आपको दिखाए हैं, 3-4 कंपनीज के दिखाए हैं, वो प्रोडक्ट्स इतने खास नहीं होते, और इसमें 2-3 किस्म के इशूज होते हैं। सबसे पहला इशू मैं समझा देता हूँ, आज क्लियर कर देता हूँ, वाइट लेबल क्यों नहीं बिक रहा पाकिस्तान में लोगों से, और क्यों लोग 6-7 महीने 8 महीने करके छोड़ देते हैं। कि एक तो प्रोडक्ट की क्वालिटी टॉप ऑफ द लाइन नहीं है। प्रोडक्ट टॉप ऑफ द लाइन होगा वो मिडिल क्लास और अपर मिडिल क्लास को टारगेट करने के लिए प्रोडक्ट्स लॉन्च करोगे, क्वालिटी अच्छी होगी, वो किसी भी नीच में करोगे तो बिकेगा। वाइट लेबल बेशक होगा, होलसेल बेशक करोगे तो वो सेल होगा, उसके रिटर्न भी ऑटोमेटिकली कम होते जाएंगे क्योंकि आप प्रोडक्ट टॉप ऑफ द लाइन दे रहे हो, क्वालिटी उसकी अच्छी दे रहे हो, एक चीज। दूसरी चीज उसमें जो इश्यू है वो ये है कि जो कंपनीज भी हैं, जो भी कंपनीज हैं, वो काम कैसे करती हैं। वो अभी ये कर रही हैं कि एक प्रोडक्ट 300 रुपए का आता है,
ठीक है, 300 रुपए का प्रोडक्ट मंगवाया, 1000 पीस मंगवाए, 700 रुपए का उठाकर लोगों को दे दिया ग्रुप में कि अच्छा किसी ने 100 पीस ले लिए, किसी ने 50 ले लिए, किसी ने 50 ले लिए, तो उस मैन्युफैक्चरर ने तो 300 रुपए का प्रोडक्ट लिया, 700 रुपए का बेच दिया, 400 रुपया पर प्रोडक्ट उसने लोगों पे बेचकर ही बल्क में ही बेचकर कमा लिए। अब उसी प्रोडक्ट को अगर वो वेबसाइट पे भी बेचता है ना, तो वो 800 रुपए 900 रुपए का भी लगाकर बेच सकता है। लेकिन आप उससे कोई प्रोडक्ट 700 रुपए का लोगे तो ऑब्वियसली आप 1200-1300 रुपए प्राइस लगाओगे। तो इस वाले में आप प्राइस में जिससे आपने प्रोडक्ट लिया उसकी प्राइस को बीट नहीं कर सकते, वो आपसे हमेशा लो प्राइस में प्रोडक्ट बेचकर वहां पे भी बेच लेगा, वो आप पे भी बेच रहा है, वो दो दो जगहों पे प्रोडक्ट बेचकर आपसे ज्यादा कमा रहा है। तो कहने का मकसद ये है कि अगर आपने वाइट लेबल ही करना है, ये होलसेल ही करना है, तो चाइना से डायरेक्टली प्रोडक्ट मंगवाओ, 500 पीस मंगवा दो, 1000 पीस मंगवा दो, एक अच्छा सा ग्रुप बना दो, प्रोडक्ट टॉप ऑफ द लाइन रखो, ग्रुप बनाओ, उसमें डिफरेंट लोगों को जो वाइट लेबल प्रोडक्ट्स चाहिए होते हैं या होलसेल प्रोडक्ट्स चाहिए होते हैं उसमें उसकी पिक्चर शेयर करो, उधर उधर भी लोगों पे बेचो, ऑनलाइन अपने स्टोर पे भी लोगों पे बेचो, दो दो जगह पे बेचकर आप खुद भी कमा सकते हो। तो कहने का मकसद ये, लेकिन पाकिस्तान में जो प्रोडक्ट आ रहा है वो प्रोडक्ट इतना अच्छा नहीं है, वो इतना खास नहीं है, वो सी कैटेगरी के प्रोडक्ट है, इस वजह से लोगों को पाकिस्तान में वाइट लेबल में प्रोडक्ट बेचते हुए इशू आ रहा है। अगर वो प्रोडक्ट आप प्रॉपरली ऐड कर दोगे तो वो अच्छा प्रोडक्ट, अच्छी नीशेस के विनिंग प्रोडक्ट्स आप अच्छी क्वालिटी के लॉन्च करोगे तो वो बिकेंगे भी और आपके पास कस्टमर खरीदेगा भी, कस्टमर प्रोडक्ट लेगा भी और अगली दफ़ा भी फिर आपसे जाकर वो प्रोडक्ट डिफरेंट और प्रोडक्ट्स लेगा क्योंकि आप क्वालिटी उसकी बड़ी अच्छी दे रहे हो। तो अच्छी क्वालिटी के भी प्रोडक्ट्स हो सकते हैं। चाइना से सोर्सिंग बड़ी आसान है, मैं आपको चाइना से सोर्सिंग बता देता हूँ, चाइना से सोर्स कैसे होता है। आपने सिर्फ और सिर्फ जाना होता है alibaba.com पे, ये है alibaba.com। लेट सपोज आप किसी भी नीश के अंदर, आप कहते हो जी होम डेकोर के वाइट लेबल प्रोडक्ट्स आप लॉन्च करना चाह रहे हो या प्राइवेट लेबल करना चाह रहे हो या होलसेल में करना चाह रहे हो, अब लेट सपोज ये प्रोडक्ट आपको समझ आता है, ठीक है, आपने इस प्रोडक्ट को ओपन किया, आप प्रोडक्ट्स देखते जा रहे हो होम डेकोर के, पहले तो रिसर्च करके पहले से ही सिलेक्ट कर लो कि यार क्या क्या प्रोडक्ट्स में होम डेकोर के मंगवा सकता हूँ, किसी भी नीश के, इलेक्ट्रॉनिक्स के या किसी भी नीश के प्रोडक्ट्स आपने वो पहले से ही सिलेक्ट किए होंगे कि मैंने ये प्रोडक्ट्स करने हैं या ये प्रोडक्ट्स लॉन्च करने हैं। लेट सपोज ये फ्रेम्स आपने देखी, बड़ी ज़बरदस्त किस्म की फ्रेम्स हैं, ठीक है, प्रोडक्ट्स देखते जाओ, ये सारे लोग भी यहीं से बाय करते हैं। और भी होम डेकोर के जो प्रोडक्ट्स आप देखते जा रहे हो, देखते जा रहे हो, देखते जा रहे हो, जो प्रोडक्ट समझ आए, अब आपने लेट सपोज ये वो प्रोडक्ट मैंने ओपन किया था, इस पे आपने लेट सपोज ये प्रोडक्ट था ना, ये प्रोडक्ट आपको नजर आ रहा है, ठीक है, मैं बड़ा कर लेता हूँ। अब ये होम डेकोर की फ्रेम्स थी, ये फ्रेम्स हैं, एग्जांपल दे रहा हूँ, मैं होम डेकोर की वाइट लेबल होलसेल करना चाह रहा हूँ और ये प्रोडक्ट्स मैं आगे ग्रुप में भी बेचना चाह रहा हूँ, ऑनलाइन भी बेचना चाह रहा हूँ, तो ये प्रोडक्ट है। अब आपने जब ये प्रोडक्ट खोला तो ये साइड पे आप देखें तो साइड पे, राइट साइड पे ये लिखा हुआ है कंपनी का नाम जो ये बना रही है, इस कंपनी के नाम के ऊपर आपने राइट साइड पे क्लिक करना है तो ये कंपनी की पूरी प्रोफाइल आपके सामने ओपन हो जाती है। ये कंपनी इतनी खास लग नहीं रही मुझे, लेकिन फिर भी इसके बाद आपने ये होम पे आ गए, प्रोडक्ट्स के ऊपर सी ऑल कैटेगरीज पे क्लिक करोगे तो इसके जितने प्रोडक्ट्स ये कंपनी बना रही है इसके सारे प्रोडक्ट्स आ जाते हैं। समझ आ रही है? टिप्स एंड ट्रिक्स भी बताता हूँ प्रोडक्ट की क्वालिटी आपने कैसे वो करनी है। अब ये प्रोडक्ट्स इसके पास हैं, इंटरनेट का कोई इशू है यार, ये देखें ये प्रोडक्ट्स होम डेकोर की प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है, दूसरी कंपनी की प्रोफाइल खोल लेते हैं, प्रोडक्ट्स सी ऑल कैटेगरीज, अब ये दूसरी कंपनी थी ये उसके प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है, ये आपने ये प्रोडक्ट देख रहे हो, इसकी क्वालिटी भी अच्छी है, प्रोडक्ट भी अच्छे हैं, चीज़ें अच्छी हैं, आपने प्रोडक्ट्स देखे ऊपर से नीचे तक, ये सारे प्रोडक्ट्स ये खुद बना रहा है, खुद लगाए हुए हैं इसने,
जो ये पैंडा है, जो भी प्रोडक्ट आपको समझ आता है, ये देखें ये प्रोडक्ट्स हैं होम डेकोर के। अब आपने सिर्फ और सिर्फ सिंपल सा काम करना होता है, ये लिखा होता है कॉन्टैक्ट सप्लायर, आपने कॉन्टैक्ट सप्लायर पे क्लिक करना है, मुझसे वो मांग रहा है कि साइन इन करो। अभी मैं आपके सामने आईडी पासवर्ड तो डाल नहीं सकता, खैर कॉन्टैक्ट सप्लायर पे क्लिक करोगे, कॉन्टैक्ट सप्लायर पे जब क्लिक करोगे तो सप्लायर को आप मैसेज कर दोगे, ठीक है। जब आप मैसेज कर दोगे उसके पास मैसेज चला जाएगा, वो आपको रिप्लाई बैक करेगा, आप रिप्लाई पे उससे पूछोगे, मैं जो पूछता हूँ तो मैं उससे पूछता हूँ तो सेंड मी योर कैटलॉग, अपने बेस्ट अपनी कैटलॉग भेज दो और अपने विनिंग प्रोडक्ट या अपने बेस्ट प्रोडक्ट्स मुझे बता दो, तुम्हारे सबसे अच्छे टॉप ऑफ द लाइन प्रोडक्ट्स कौन से हैं, हाई सेलिंग प्रोडक्ट्स कौन से हैं। वो आपको अपनी कैटलॉग भेज देता है, आपको अपने हाई सेलिंग प्रोडक्ट्स भेज देता है, आपके डिफरेंट, अगर आप होम डेकोर कर रहे हो, किचन अप्लायंसेस कर रहे हो, आप म्यूजिक से रिलेटेड प्रोडक्ट्स कर रहे हो, इलेक्ट्रॉनिक्स कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो इलेक्ट्रॉनिक्स में जाना है, इलेक्ट्रॉनिक्स रिलेटेड प्रोडक्ट सर्च करने हैं, जो पेज आपके सामने आएगा उसमें से उस सप्लायर को जाकर कॉन्टेक्ट करना है, कॉन्टेक्ट सप्लायर लिखा होता है, उसका पेज ओपन करोगे, इस तरह पेज ओपन करोगे, उसके प्रोडक्ट्स को ओपन करोगे, उधर कॉन्टेक्ट सप्लायर लिखा होता है, आप सप्लायर को कॉन्टेक्ट करोगे और उससे कहोगे कि मुझे अपना कैटलॉग भेज दो, वो आपको अपना कैटलॉग भेजेगा, आपके पास 20-25 कंपनीज के कैटलॉग्स आ गए हैं, फिर आप उन कैटलॉग्स में प्रोडक्ट्स ढूंढो, उनकी प्राइसिंग पूछो, उससे प्राइसिंग पूछो, एमओक्यूज पूछो, मिनिमम में कितने एमओक्यूज ऑर्डर कर सकता हूँ, ठीक है, मिनी मुझे दर्जन चाहिए या मुझे 15 चाहिए या मुझे 50 चाहिए, मुझे 10 चाहिए, मुझे 5 चाहिए, मुझे सिर्फ 2 पीसेस चाहिए, मुझे सिर्फ 1 पीस चाहिए, जो भी है उनकी प्राइसिंग आपने खुद देखनी होती है, उसका प्रोडक्ट देखना होता है, सारा कुछ देकर आपने एक एक दो दो पीसेस 5-5 पीसेस आपने मंगवा देने हैं और उनको टेस्ट करना है, जिसके प्रोडक्ट्स आपको समझ आते हैं उस मैन्युफैक्चरर से लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट करते हो और आप उनसे रेगुलरली फिर प्रोडक्ट्स मंगवाते जाते हो। अच्छा, इसमें एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ कि आपको पता कैसे चलता है कि भाई मुझे कैसे पता चलता है कि ये कंपनी अच्छी है, लेजिट है, नहीं है, इसमें दो तीन चीज़ें हैं जो चेक करने वाली होती हैं। एक चीज़ तो ये होती है, जिस तरह ये आप लेफ्ट साइड पे देखें तो डिफरेंट किस्म के लाइसेंसेज होते हैं, जब मैं प्रोडक्ट डिसाइड कर रहा होता हूँ ना, मैंने क्या प्रोडक्ट्स मंगवाना है, उसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि उसमें जिस तरह कॉस्मेटिक्स में डिफरेंट आपको लाइसेंसेज चाहिए होते हैं, सी सर्टिफिकेशन चाहिए होती है, ISO सर्टिफिकेशन होती है, डिफरेंट सर्टिफिकेशंस होती हैं, वो सर्टिफिकेशन चाहिए होती हैं, और जितना तगड़ा मैन्युफैक्चरर होगा उसी के पास वो सर्टिफिकेशन होंगी, बकाया के पास नहीं होंगी। तो मैं तो ये सर्टिफिकेशंस के ऊपर ही काम करता हूँ, मैं इधर लेट सपोज ISO सर्टिफाइड कंपनी हो, अब मैं ISO सर्टिफाइड कंपनी के ऊपर क्लिक करूंगा तो जितनी कंपनी जो सिर्फ ISO सर्टिफाइड होंगी वही रह जाएंगी, बकाया बच जाएंगी। इसमें ये देखें FCC सर्टिफाइड, ये डिफरेंट सी सर्टिफाइड प्रोडक्ट्स हों, सी सर्टिफाइड प्रोडक्ट्स हों तो सी के ऊपर क्लिक करोगे तो सिर्फ और सिर्फ सीई प्रोडक्ट्स, जिन जो कंपनीज के प्रोडक्ट सी सर्टिफाइड हैं उन्हीं वही कंपनीज रह जाएंगी, बकाया कंपनीज खत्म हो जाएंगी। तो मैं तो सर्टिफिकेशंस और सर्टिफिकेशंस के ऊपर और प्रोजेक्ट जो इनकी मैनेजमेंट सर्टिफिकेट्स होते हैं इनके ऊपर डिपेंड कर रहा होता हूँ, मुझे जो कंपनी चाहिए होती हैं मैं इधर से अप्लाई करता हूँ तो मेरे पास आ जाती हैं। तीसरी चीज़ ये होती है कि वो वेरीफाइड लिखा हुआ होता है। चौथी चीज़ ये होती है कि उनके होम पेज के ऊपर ही आप देखो वेरीफाइड लिखा हुआ है, साथ लिखा हुआ है कितने सालों से अलीबाबा पे काम कर रहा है, 1 साल हो चुका है, इस कंपनी को 3 साल हो चुके हैं, वेरीफाइड लिखा हुआ है, ISO सर्टिफाइड भी है। इसके अलावा लेट सपोज मैं कोई कंपनी चेक करना चाह रहा हूँ, ठीक है, कोई भी एक अच्छी चीज रैंडम कंपनी उठाते हैं, लेट सपोज ये कंपनी है, ठीक है, तो इधर नीचे राइट साइड पे आप देखें ना तो उसकी सारी डिटेल, कंपनी की सारी डिटेल राइट साइड के ऊपर दी हुई है, कंपनी का नाम क्या है, अलीबाबा से वेरीफाइड है, कस्टम मैन्युफैक्चरिंग भी करके देता है कि आप इसको कोई प्रोडक्ट दो तो वो आपके हिसाब से कस्टम मैन्युफैक्चर भी करके देगा, जिस तरह का प्रोडक्ट आपको चाहिए वो आपको कस्टम भी बना कर देगा, स्टोर की रेटिंग लिखी हुई है, डिलीवरी टाइम 100% टाइम पे डिलीवर करते हैं, रिस्पांस टाइम लिखा हुआ है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि ऑनलाइन रेवेन्यू इनका कितना है, स्टोर ने इस साल कितने लाखों का प्रोडक्ट बेचा है, $1,60,000 का प्रोडक्ट ये बेच चुका है, इतनी ज़्यादा प्राइस नहीं है, स्टाफ इसका कितना है वो भी लिखा हुआ है, फ्लोर स्पेस इसने कितनी ली हुई है वो भी लिखा हुआ है, कौन कौन सी सर्टिफिकेशन इसके पास है, नीचे ये सर्टिफिकेट्स भी लिखे हुए हैं, व्यू प्रोडक्ट्स पे क्लिक करेंगे तो प्रोडक्ट्स के बारे में भी सारे प्रोडक्ट्स भी इसके आ जाएंगे। दूसरा ये है
इसमें आप कंपनी प्रोफाइल पे क्लिक करोगे तो कंपनी से रिलेटेड जितना भी डेटा है, क्या उसके पास सर्टिफिकेशन हैं, क्या उसके मेन प्रोडक्ट्स हैं, कौन से उसके सबसे ज्यादा प्रोडक्ट्स बिकते हैं, ये उसकी सर्टिफिकेशंस आ गई, सारा डेटा आपके पास आ जाता है और रिव्यूज भी आपके पास आ जाते हैं। तो ये सारी चीजें चेक करके आप उसको ऑर्डर प्लेस कर सकते हो। और एग्जांपल दे रहा हूँ, म्यूजिक, ब्लूटूथ, तो आपने ब्लूटूथ स्पीकर लेने हैं तो आपने इस कंपनी के ऊपर क्लिक किया। अब इस कंपनी के पास ये देखो नीचे लिखा हुआ है कि क्या क्या इसके पास सर्टिफिकेशन है, सी सर्टिफाइड है, एफसी सर्टिफाइड है, ब्लूटूथ क्वालिफिकेशन बॉडी जो है वो उससे सर्टिफाइड है, ठीक है। इसके बाद 410,000 डॉलर के अभी तक इस साल प्रोडक्ट बेच चुका है, इतने ज़्यादा महंगा नहीं है। स्टोर की रेटिंग 1.8 है, वो भी इतनी ज़्यादा नहीं है, ठीक है। उसके बाद सर्टिफिकेशन इसके ये नीचे लिखे हुए हैं। व्यू प्रोडक्ट्स पे क्लिक करो तो उसके सारे प्रोडक्ट्स जो हैं वो कहाँ कहाँ बेच रहा है, क्या क्या प्रोडक्ट्स बेच रहा है, ये इसके प्रोडक्ट्स हैं थके हुए, यही सी कैटेगरी वाले प्रोडक्ट्स हैं, इतने खास प्रोडक्ट्स नहीं हैं। तो आपको आइडिया हो जाता है कि भाई कौन सी कंपनी कितनी तगड़ी है, कौन सी कंपनी कितनी तगड़ी नहीं है। और तीसरी चीज़ जो मैंने आपको बताई थी कि अगर आप कोई प्रोडक्ट्स करना चाह रहे हो, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ब्लूटूथ स्पीकर इन यूएसए, ठीक है, इसमें ये नीचे सारी डिस्क्रिप्शन एक प्रोडक्ट के बारे में, ये बॉस का प्रोडक्ट है, उसकी सारी डिस्क्रिप्शन दी हुई है। इसमें क्या क्या बैटरी कितनी है, लाइफ टाइम इसका क्या है, वो है ये कितनी वोल्टेज लेता है, क्या है वो डिस्क्रिप्शन आपके पास दी हुई होती है। उस टॉप का प्रोडक्ट्स की डिस्क्रिप्शन को उठाओ और जिस मैन्युफैक्चरर से आप बात कर रहे हो, इससे लेट्स सपोज मैं बात कर रहा हूँ तो उसको मैं कहता हूँ ना कॉन्टैक्ट सप्लायर करता हूँ, और इसको मैं कॉन्टैक्ट करने की कोशिश करता हूँ, तो इसको मैं कॉन्टैक्ट करते हुए ये कहूँगा कि भाई साइन इन नहीं है मेरे पास, कि मुझे ये वाला प्रोडक्ट चाहिए, ये उसकी पिक्चर है, ये उसकी डिस्क्रिप्शन है, इस तरह ये पिक्चर है, ये उसकी डिस्क्रिप्शन है, इस तरह का प्रोडक्ट चाहिए सेम डिस्क्रिप्शन के साथ, उसके जो प्रोडक्ट जिस चीज़ से बना हुआ हो, उसकी क्वालिटी, उसकी चार्जिंग, उसकी बैटरी, उसकी USB-C केबल, जो भी प्रोडक्ट है उसमें सारा कुछ मुझे इस तरह का चाहिए, आपके पास इस तरह का प्रोडक्ट है तो मुझे बता दो, तो आपकी क्वालिटी उधर से भी इंश्योर हो जाती है। तो ये है, चाइना से आप अलीबाबा के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हो, अलीबाबा के थ्रू प्रोडक्ट ढूंढो, सप्लायर से बात करो, कैटलॉग्स मंगवाओ, कैटलॉग्स मंगवा कर उससे बात करो, और उसके बाद 10-15 कंपनीज के कैटलॉग्स जब देख लो, 30-25 कंपनीज के जो प्रोडक्ट चाहिए, फिर उस सप्लायर से कांटेक्ट करके वो प्रोडक्ट्स मंगवा दो, तो ये आ जाएगी हंटिंग। और सोर्सिंग कैसे करानी है, सोर्सिंग ऐसे करानी है कि पाकिस्तान में डिफरेंट एजेंट्स होते हैं जो आपके प्रोडक्ट्स, अब मैं अभी एजेंट के थ्रू काम करता हूँ, मैं खुद प्रोडक्ट्स नहीं मंगवाता, ठीक है। मेरा मैन्युफैक्चरर क्या करता है कि मेरे पास एजेंट है, लाइशा का एजेंट है, मेरे मैन्युफैक्चरर का मेरे पास वेयर हाउस का एड्रेस और उसका सारा डेटा मेरे पास अवेलेबल होता है। मेरा मैन्युफैक्चरर जब प्रोडक्ट्स बना लेता है ना, तो वो प्रोडक्ट्स उठाकर मेरे एजेंट के वेयर हाउस में, चाइना में मेरे एजेंट के वेयर हाउस में मेरे प्रोडक्ट्स पहुँचा देता है। जैसे ही मेरे एजेंट को उसके वेयर हाउस पे प्रोडक्ट्स पहुंच जाते हैं, वो वहां से प्रोडक्ट्स उठाते हैं और पाकिस्तान में मेरे वेयर हाउस तक पहुंचाने की जिम्मेदारी उसकी होती है। वो वहां से लेकर मेरे वेयर हाउस तक प्रोडक्ट्स पहुंचाता है, उसके साथ एक मेरा फिक्स रेट है, बाय एयर मंगवाना है तो 4,000-4,500 रुपया पर केजी चार्ज करता है, उस हिसाब से वो मुझसे अमाउंट ले लेता है, और बाय शिप मंगवाना है तो 700-800 रुपया वो मुझे बाय शिप पहुँचा कर दे देता है, केजी के हिसाब से 700-800 रुपया रेट है। बाय शिप आपको 3 महीनों में प्रोडक्ट मिलता है, बाय एयर आपको 10 दिनों में प्रोडक्ट मिलता है, बाय रोड 1500-1600-1700 रुपया पर केजी रेट होता है, वो आपको 20-25 दिन 30 दिनों में मिलता है। तो ये तो 3 चीज़ें हैं, वो अब आपको बताता हूँ, आपने अगर हंटिंग करनी है और आपने ऑटोमेटिक तरीके से पाकिस्तान में हंटिंग करनी है, आपने डिफरेंट प्रोडक्ट्स पे पाकिस्तान में डिफरेंट कंपनीज पे जा रहे हो और प्रोडक्ट ढूंढना चाह रहे हो, एग्जांपल दे रहा हूँ, डाइवर्सिटी पे हम जाते हैं और हम देखना चाहते हैं कि diversity.pk
जो है वो city.pk, ये कंपनी है, ये क्या प्रोडक्ट्स बेच रही है, इसका सबसे ज्यादा विनिंग प्रोडक्ट कौन सा है, ये भी ज्यादा वाइट लेबल प्रोडक्ट्स को ही प्राइवेट लेबल करके बेच रहे होते हैं, ठीक है। 1.5 लाख इनके हैप्पी कस्टमर्स हैं इनके, देखें ये भी विनिंग प्रोडक्ट है, ये भी विनिंग प्रोडक्ट है, इसके पास ज्यादा विनिंग प्रोडक्ट्स ही होते हैं। अब एक दो टूल्स हैं उसमें जो मैं यूज करता हूँ, एक टूल है मेरे पास अली हंटर और एक टूल है मेरे पास जो है जीनॉन हंट, ठीक है। ये दो टूल्स मैं यूज करता हूँ और इन दो टूल्स के थ्रू मैं इस हर वेबसाइट को हंट कर रहा होता हूँ, उन पे प्रोडक्ट्स हंट कर रहा होता हूँ, जीनॉन हंट और अली हंटर। अली हंटर अली बाबा का हंटिंग टूल है और वो करता क्या है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। जिस तरह अभी मैंने डाइवर्सिटी डॉट पी के ओपन की तो यहाँ पे मेरा अली हंटर ऑन हुआ हुआ है। अब अली हंटर अगर आपको मैं बताऊं तो एक सेकंड रुको आप, ठीक है। अली हंटर, आपने अली हंटर ये लिखना है यार, सॉरी यार मैंने ना स्क्रीन शेयर ही नहीं की हुई थी, ठीक है। गूगल पे जाकर आप लिखेंगे ना अली हंटर क्रोम एक्सटेंशन, तो ये अली हंटर की क्रोम एक्सटेंशन आपके पास आ जाएगी, आपने इसको डाउनलोड कर लेना है, तो ये आपकी गूगल क्रोम में आपकी अटैच हो जाएगी। अब अली हंटर करता क्या है, फिर आप जो भी वेबसाइट, लेट सपोज आप लाइशा पे जाते हो, आप डाइवर्सिटी पे जाते हो, डाइवर्सिटी डॉट पी के पे गया मैं, अब ये डाइवर्सिटी डॉट पी के जो है ये एक शॉपिफाई पे बना हुआ है, जो भी वेबसाइट शॉपिफाई पे बनी होगी तो उसके नीचे अगर आप ये लेफ्ट पे देखें, नीचे अली हंटर की मेरे पास बार आ गई है। अली हंटर मुझे क्या करके दे रहा है, अब इसकी ना अली हंटर मुझे क्या करके देगा कि ये इसने मुझे, अली हंटर ने मुझे बता दिया कि भाई ये इसका स्टोर है, ठीक है, उसके स्टोर के फेसबुक के ऊपर कौन कौन से एड्स लगे हुए हैं, ये इसने मुझे निकाल कर दे दिए कि भाई इसके क्या क्या एड्स चल रहे हैं। ये तो खैर मैं आपको एड्स लाइब्रेरी से भी निकाल कर दे दूंगा, ये इतनी बड़ी चीज नहीं है एड्स को निकालने के लिए। इसकी मंथली ट्रैफिक कितनी है, इसका पेज पर विजिट, एक यूजर कितने पेजेस विजिट करता है, एक यूजर कितना ड्यूरेशन इस वेबसाइट पे रुकता है वो, उसके बाद इसके बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट्स भी मुझे निकाल कर बता देगा। ये देखें इसके बेस्ट सेलिंग बता दिए कि इसका सबसे ज्यादा जो प्रोडक्ट अभी तक इस वेबसाइट के थ्रू बिका है वो ये प्रोडक्ट बिका है, ठीक है। दूसरे नंबर के ऊपर ये सबसे ज्यादा ये बेचता है, तीसरे नंबर के ऊपर ये बेचता है, चौथे नंबर के ऊपर ये बेचता है, पांचवें नंबर के ऊपर ये, तो एक वेबसाइट जो शॉपिफाई के ऊपर होगी उसके सारे विनिंग प्रोडक्ट्स ये निकाल कर मुझे बता देगा कि क्या क्या बेच रहा है, कितना बेच रहा है। ऑर्डर्स भी ये बता देगा कि इसने 5,31,000 रुपये के प्रोडक्ट्स बेचे हैं इस महीने में और 200 प्रोडक्ट्स ये ऑलरेडी बेच चुका है और लास्ट जो सेल्स हैं इसकी इतने बजे ये प्रोडक्ट बिका है, दूसरे इतने बजे ये प्रोडक्ट निकला है इसका, इस ये प्रोडक्ट निकला है, कौन कौन से प्रोडक्ट्स इसके निकल रहे हैं उनकी भी एक डिटेल ये मुझे बताकर सारी डिटेल बता रहा होगा। उसके बाद इसने वेबसाइट्स पे कौन कौन सी एप्लीकेशन यूज़ की हुई हैं उनका डेटा सारा दे देगा। उसके बाद तो एक ही वेबसाइट अली हंटर जो है ये मुझे, अगर मैं इसकी क्रोम एक्सटेंशन, ये इसकी क्रोम एक्सटेंशन है जो मेरे राइट साइड पे आ जाती है, मैं कोई भी शॉपिफाई स्टोर खोलूं, आप कोई भी बता दें, लेट सपोज मामा मामा ऑर्गेनिक हम सर्च करते हैं, ठीक है, कोई भी ब्रांड, कोई भी ब्रांड आप शॉपिफाई स्टोर बताओ। अब ये वेबसाइट ओपन हुई उसके नीचे ही मुझे देखें, इसने खोलकर मैंने नीचे ऑटोमेटिक आ गया, उसने मुझे बता दिया कि भाई ये इसकी ट्रैफिक है, ये इसके बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट्स हैं, पहले नंबर के ऊपर क्या ये सबसे ज़्यादा ये बिक रहा है, दूसरे पे ये बिक रहा है, तीसरे पे ये बिक रहा है, उसकी प्राइस भी आ जाती है, ये सारा प्रोडक्ट्स मुझे निकाल कर दे देता है। लेट सपोज मैं किसी और ब्रांड पे चला जाता हूँ, ब्रांड कोई बताएं आप, उनके लिए नहीं है सिर्फ ये जो शॉपिफाई यूज़ कर रहे हैं सिर्फ मुझे उनके लिए ही आता है। अली हंटर इतना रेल नहीं देता, करीब करीब के
दे देता है, ठीक है, लेकिन आपको आइडिया हो जाता है। लाइशा अगर मैं बताऊं तो ये मेरा लाइशा का, laisha.com पे मैं गया, इसने मुझे नीचे ओवरव्यू दे दिया, मंथली ट्रैफिक कम बताता है थोड़ी सी लेकिन बताता है, ठीक है, पेजेस पर विजिट, एवरेज पेज ड्यूरेशन, इसके बाद प्रोडक्ट्स, मेरे बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट बिल्कुल ठीक बता रहा है कौन कौन से मेरे सबसे ज़्यादा सेल होते हैं, सारा डेटा ये बता देता है, न्यू अराइवल्स मेरे कौन से हैं, ऑल प्रोडक्ट्स मेरे पास क्या हैं, उसके बाद ऑर्डर्स, यहाँ पे डेटा, ये जो डेटा होता है ना, ये डेटा गलत बताता है या नहीं बताता, किसी वेबसाइट का ये डिटेक्ट करता है, किसी वेबसाइट का ये डिटेक्ट नहीं करता, ये डेटा भी ये गलत बताता है, कुछ डेटा ये एक्यूरेट नहीं बताता, लेकिन आपको आइडिया दे देता है कि भाई अच्छा क्या चल रहा है पाकिस्तान में, ठीक है। इसके बाद एक और है, अगर मैं दराज यूज करूँ ना, दराज पे बड़ा स्पेशल मेरे पास हंटिंग टूल है, दराज पे मैं जाता हूँ और दराज पे मैं जाकर लिखता हूँ जी लैशेस, लैशेस लिखी, कोई भी आप लिखो, ब्लूटूथ स्पीकर लिखो, लैशेस लिखो, जो भी प्रोडक्ट आप, जिससे भी रिलेटेड आप, कीवर्ड से रिलेटेड आप चीज़ें चेक करना चाह रहे हो, ठीक है। और उसके बाद मैं क्या करता हूँ, ये तो सिमिलर वेब है, जिनॉन हंट ऑन करता हूँ, ये दूसरी वेबसाइट है मेरे पास जिनॉन हंट के नाम से, जिनॉन हंट क्या करती है, मुझे अब ये दराज के लैशेस से रिलेटेड सारे ब्रांड्स का डेटा मुझे निकाल कर दे देगी, जो भी कीवर्ड मैंने सर्च किया उस कीवर्ड के ऊपर मुझे सारा डेटा निकाल कर दे देगी, कि जी ये देखें ये प्राइस है, इतने परसेंट इस बंदे का कमीशन है, अच्छा ये मैंने, मेरे से ना वो होगी है, मेरी ख़त्म हो चुकी है इसकी मेंबरशिप, क्योंकि मैं तो दराज से रिलेटेड इतना यूज़ नहीं करता, वरना ये आपको 30 दिनों में ये कितना सेल हुआ है, अगर आप इसका फ्री, ये मेरे पास अभी फ्री वाला है, दूसरे वाला ले लेते हो 1400 रुपये पर मंथ वाला, तो अभी इसने 30 दिनों में किस ब्रांड ने सबसे ज़्यादा कितना प्रोडक्ट बेचा है, उसको आप अगर सेम प्रोडक्ट को आप अलीबाबा पे चेक करना चाहते हो तो ये अलीबाबा पे भी क्लिक करोगे तो सेम प्रोडक्ट अलीबाबा पे भी निकल आएगा, ठीक है। उसके बाद 30 दिनों में कितना बिका है, टोटल कितनी सेल्स हुई है, कितना रेवेन्यू जनरेट किया है, कितना, तो आपको दराज से रिलेटेड सारी डेटा जो होगा ना, एक एक उससे रिलेटेड एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि इधर आप लिखते हो जी ब्लूटूथ स्पीकर, ठीक है, ब्लूटूथ स्पीकर लिखकर आप जिनॉन ठंड की इस पे क्लिक करोगे, दराज प्रोडक्ट रिसर्च पे क्लिक करोगे, उससे रिलेटेड आपको ब्लूटूथ स्पीकर से रिलेटेड, अगर आप 1400 रुपये दे दो एक दफ़ा और उसके बाद आप इनका वो वाला प्लान ले लो पर मंथ वाला, तो ये आपको उसका सारा डेटा खोल कर बताएगा कि भाई कौन से ब्लूटूथ स्पीकर पाकिस्तान में बिक रहे हैं, कितने में बिक रहे हैं, कोशिश करता हूँ कि शायद ये इधर से हो जाए, अच्छा ये प्राइस क्या है, ये यहाँ पे आपको उसका सारा डेटा दे देगा, नेट मार्जिन इसमें कितना बच रहा है, ठीक है, क्योंकि ये नेट मार्जिन चाइना से निकाल कर देता है, अगर ये प्रोडक्ट आप चाइना से लोगे कितने का पड़ेगा, यहाँ पे कितने का बिक रहा है, आपको उसमें कितना मार्जिन बचता है, 30 दिन की सेल आपको इधर दे देगा, 30 दिनों में कितना सेल हो रहा है, 7 दिनों में कितना सेल होगा हुआ है, आज इसमें कमीशन कितना है, सारा डेटा आपको एक एक प्रोडक्ट का सारा डेटा आपको निकाल कर दे देता है, तो आपको आइडिया हो जाता है अच्छा यार मेरा प्रोडक्ट ऑनलाइन ब्लूटूथ स्पीकर जो है या कोई भी प्रोडक्ट है वो दराज पे कितना बिक रहा है, सबसे ज़्यादा कौन बेच रहा है, कितने में बेच रहा है, कितना मार्जिन बच रहा है, ये सारा डेटा आपको जीनॉन हंट के थ्रू दराज का भी मिल जाता है। तो ये सारा कुछ है भाई लोगों, ये सारा डेटा है,
और इसको यही प्रोडक्ट हंटिंग और प्रोडक्ट सोर्सिंग है। दो पे टूल्स मैंने आपको बता दिए, चाइना से कैसे ऑर्डर होना है वो मैंने आपको बता दिया, एजेंट कौन से यूज़ होने हैं। सिर्फ एक चीज़ मैं आपको और बता देता हूँ, ये तीन चार कंपनीज हैं, अगर आप पाकिस्तान से प्रोडक्ट लेना चाह रहे हो, यूनिकॉर्न सोर्सिंग, इनके पास ऑलरेडी प्रोडक्ट्स होते हैं, क्वालिटी इतनी खास नहीं होती। पाकिस्तान में कोई भी वाइट लेबल पकड़ लो, उनके पास क्वालिटी इतनी खास नहीं होती। तो लेकिन अगर आप प्रोडक्ट देखना चाह रहे हो पाकिस्तान में वाइट लेबल बिक क्या रहा है, तो यूनिकॉर्न सोर्सिंग, हंटिंग एंड सोर्सिंग कंपनी है, हंट एंड सोर्स के नाम से। ये है लोकल बाबा, मेरे बड़े दोनों फेवरेट हैं, यासर भाई और फैजान भाई, ये लोकल बाबा कंपनी रन कर रहे हैं लोकल बाबा के नाम से। इनके पास भी बहुत तगड़े प्रोडक्ट्स होते हैं, बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट्स होते हैं, आप इनको कर सकते हो। यासर भाई की भी कंपनी का यही लोकल बाबा ही नाम है। और तीसरा मैंने मास ट्रेडर्स आपको बता दिया, मेरी बड़ी अच्छी दोस्त हैं आयशा, उनका उनका वो रन कर रही है वाइट लेबल के नाम से, मास ट्रेडर्स के नाम से। और इसके अलावा आप, मैं दिखा भी देता हूँ, आयशा यहिया नाम है, आपने फेसबुक पे जाकर आयशा यहिया को फॉलो कर लो। और ये इनकी है मास ट्रेडर्स के नाम से। मुझे अभी तक जो ग्रुप अच्छा लगा है, जिसके पास प्रोडक्ट्स अच्छे होते हैं, वो आयशा यहिया के पास अच्छे होते हैं। वाइट लेबल अगर आपने चाइना से नहीं मंगवाना और पाकिस्तान से ही लेने हैं, तो आयशा यहिया को जाकर इनका चेक कर लो, क्या कहते हैं इसको, वाइट लेबल इनके पास है, इनका ग्रुप बना हुआ है, इनको कह दो कि आपको ग्रुप में ऐड कर दें, और वहाँ पे वाइट लेबल चेक कर लो। यूनिकॉर्न सोर्सिंग का व्हाट्सएप जाकर चेक कर लो, यासर भाई का लोकल बाबा का व्हाट्सएप बना हुआ है वो जाकर चेक कर लो। और इसके अलावा भी कुछ कंपनीज हैं, आप वाइट लेबल के डिफरेंट प्रोडक्ट डिफरेंट कंपनी से खरीद सकते हो। जो मुझे पता थी मैंने आपको बता दी, मैं खुद वाइट लेबल नहीं करता, और इसी वजह से नहीं करता कि क्वालिटी अच्छी नहीं होती, और इसमें प्रॉफिट मार्जिन इतना ज़्यादा बचता नहीं है, कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा होता है, रिटर्न रेट बहुत ज़्यादा है इसका, प्रोडक्ट वापस बहुत ज्यादा आ जाते हैं, इस वजह से मैं नहीं करता। हाँ जी, नीश सिलेक्ट करोगे तो प्रोडक्ट सिलेक्ट करोगे, नीश नहीं सिलेक्ट करोगे तो प्रोडक्ट कैसे सिलेक्ट करोगे। तो ये आज की क्लास थी छोटी सी, एक बेसिक सी। मैं आपको कंपनीज भी मैंने आपको बता दी, प्रोडक्ट हंटिंग एंड सोर्सिंग चाइना, अलीबाबा पे जाना है, मेड इन चाइना एक और ऐप है जिसके ऊपर मैन्युफैक्चरर्स होते हैं, मेड इन चाइना यूज कर सकते हो, 1688 एक और कंपनी है, आप वो भी यूज कर सकते हो। आप अपनी प्रोडक्ट या नीश सर्च करो, मैन्युफैक्चरर को कांटेक्ट करो, मैन्युफैक्चरर से कैटलॉग लो, उससे MOQs पूछो कि अगर मैं ये प्रोडक्ट ऑर्डर करता हूँ तो मिनिमम कितने MOQs मुझे ऑर्डर करने पड़ेंगे, उसकी सर्टिफिकेशन चेक कर लो। टॉप 5 मैन्युफैक्चरर्स जब सेलेक्ट कर लोगे तो उनसे सैंपल्स मंगवा लो, उनके सैंपल्स आपको पसंद आते हैं, जिसका सैंपल पसंद आता है उससे प्राइसिंग और क्वांटिटी दोबारा फाइनलाइज कर लो, उससे प्राइसिंग नेगोशिएट करा लो, क्वांटिटी नेगोशिएट करा लो, अपना प्रोडक्ट डिजाइन करो और लॉन्च कर दो। ये आज की प्रोडक्ट हंटिंग एंड सोर्सिंग से रिलेटेड हंटिंग एंड सोर्सिंग की क्लास थी। दो पेड टूल्स भी मैंने आपको बता दिए, चाइना से अलीबाबा से प्रोडक्ट ऑर्डर कैसे होता है वो भी बता दिया, लोकल मार्केट में प्रोडक्ट लेना है तो कैसे लोगे वो भी मैंने आपको बता दिया है। इसके अलावा दराज पे प्रोडक्ट कैसे सर्च होता है और कैसे उसकी सेल्स निकाली जाती है वो भी आपको बता दिया है। मैंने कंपनीज जो पाकिस्तान में वाइट लेबल काम कर रही हैं और जिनसे आपको प्रोडक्ट वाइट लेबल में मिल सकता है वो कंपनीज भी आपको बता दी हैं। ये सारे प्रोडक्ट्स मैंने आपको बता दिए हैं। लोकल बाबा एक कंपनी है जो ड्रॉप शिपिंग भी करके देती है, और मरकज ऐप का मैंने आपको बताया था ड्रॉप शिपिंग के लिए, लोकल बाबा और मरकज ऐप, ये दो कंपनीज हैं जो ड्रॉप शिपिंग अलाउ करती हैं। इन दो कंपनीज के साथ आप काम कर सकते हो, लेकिन ड्रॉप शिपिंग मैंने पहला लेक्चर आप उठाकर देखो या दूसरा लेक्चर, तो उसमें बताया था कि प्रॉफिटेबल बिल्कुल भी नहीं है, आगे आपकी अपनी मर्जी है। जो एजेंट है वो एजेंट मिलना आसान है, इतना कोई मुश्किल काम नहीं है। आपने लिखना है फ्रेट फॉरवर्डर, ये तो आप पत्थर उठाओगे तो आपको कराची, इस्लामाबाद, लाहौर में बहुत फ्रेट फॉरवर्डर मिल जाएंगे। इन लाहौर लिखोगे तो ये आपके पास, ये देखो, डोर टू डोर स्टेप फ्रेट फॉरवर्डिंग यूसिंग लॉजिस्टिक फ्रेट फॉरवर्डर, ये आपके पास कोस्टा लॉजिस्टिक, एडवांस कार्गो, राजिक इंटरनेशनल, बहुत कंपनीज मिल जाएंगी। अपने वाले तो मैं बंदा नहीं दूंगा, अपना एजेंट तो नहीं दूंगा, लेकिन आपको एजेंट लेफ्ट राइट पे आप किसी से भी पूछोगे तो आपको एजेंट मिल जाएंगे, आराम से मिल जाएंगे। एजेंट मिलना कौन सा कोई इतना मुश्किल काम है, काम नहीं करता भाई। क्या एक दफा मैं आपको दो दफा बता चुका हूँ कि सिर्फ और सिर्फ शॉपिफाई वेबसाइट्स पे काम करता है,
वर्डप्रेस वेबसाइट्स पे काम नहीं करता। अगर देखना ही है तो शॉपिफाई की भी इतनी ज़्यादा वेबसाइट्स हैं, उन्हीं से आपको इतना डेटा मिल जाएगा। हर हर किसी की वेबसाइट चेक करने का क्या करना है आपने, इतनी वेबसाइट्स को चेक करके। शिपिंग कॉस्ट मिनिमाइज करनी है तो बाय शिप मंगवा दो। बाय एयर आपको 4500 रुपये का पड़ता है, बाय शिप आपको 700 रुपये का पड़ता है, तो 700 रुपये में मंगवा दो। तो ये सारा क्लास थी, ये सारा डेटा था। आज के लिए क्लास ख़त्म हो चुकी है। जो चीज़ें मेरी थी वो मैंने आपको बता दी हैं। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।